नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल द रिटेल में। सुनिए, यहाँ पे मैं बात करने वाला हूँ दोस्तों एक ऐसे मिडकैप आईटी स्टॉक की जो कुछ ही दिन पहले एक 52 वीक लो टच करके आया है। ठीक है, उसके बाद अब आपको पता है अब तो कह सकते हैं क्वार्टर फोर के नंबर्स आने शुरू हो जाएंगे कुछ ही दिनों में। कुछ दिनों में आप कह सकते हैं जो सबसे बड़ी TCS कह सकते हैं आईटी कंपनी इंडिया की TCS, उसके नंबर आने शुरू हो जाएंगे। लेकिन उससे पहले एम्फेसिस के क्वार्टर फोर के नंबर्स कैसे होंगे इसको लेकर के एक रिपोर्ट निकाली गई है। तो यदि आप स्टॉक में निवेशित हैं या निवेश की सोच रहे हैं, मुझे लगता है ये वीडियो आपके बहुत बहुत काम आएगा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर आप इस चैनल पहली बार आए हैं प्लीज सब्सक्राइब का बटन दबा दें, वीडियो अच्छी लगती हो लाइक जरूर कीजिएगा। तो अब विदाउट वेस्ट टाइम सीधा लेके चलता हूँ शेयर प्राइस की तरफ। देखिए एम्फेसिस लिमिटेड, जी हाँ दोस्तों एम्फेसिस लिमिटेड लगभग आधे प्रतिशत के आसपास की आपको यहाँ गिरावट देखने को मिलेगी। कितनी, आधा परसेंट भी नहीं कहनी चाहिए, आप इसे 0.27% की तेजी, माफी दीजिएगा, तेजी देखने को मिलेगी। लेकिन आप याद रखिएगा ये वही स्टॉक है कुछ दिन पहले ही 52 वीक लो टच करके आया है। कैसे, 1661 इसके 52 वीक लो है और उससे थोड़े ही ऊपर दिखाने को मिल रही है। क्योंकि देखिए पिछले कुछ समय में ना स्टॉक ने काफी अच्छी तेजी दिखाई है, लगभग 7.5% से ज्यादा की। और निवेशकों के मन में अब ये लग रहा है कि भाई क्या आप स्टॉक से निकल जाएं, क्योंकि अब क्वार्टर फोर के सीजन शुरू होने वाले हैं तो शायद अगर TCS के खराब नंबर आते हैं तो इसमें भी गिरावट शुरू हो सकती है। देखिए ये तो सही बात है, अगर TCS के नंबर्स खराब आते हैं तो फिर एक न्यू सेट ऑफ गिरावट आपको इन स्टॉक में शायद देखने को मिल सकती है। ठीक है, लेकिन इसके लिए हमें ये देखना पड़ेगा कि एम्फेसिस के रिजल्ट कैसे आएंगे। तो देखिए इसके लिए एक रिपोर्ट निकाली गई है, देखें एम्फेसिस हैज बीन वन ऑफ द वर्स्ट परफॉर्मिंग आईटी स्टॉक इंडियन आईटी स्पेस। ठीक है, परफॉर्मिंग स्टॉक जो इन्फोसिस दोस्तों सबसे खराब परफॉर्म करने वाले आईटी स्टॉक है, इंडियन आईटी स्पेस एक स्टॉक है जो कि 24% टूट चुका है दोस्तों अगेंस्ट 12% ड्रॉप इन निफ्टी आईटी इंडेक्स। जहां की निफ्टी आईटी इंडेक्स में मात्र 12% गिरावट हुई है, वहीं इसमें 24% की आपको गिरावट देखने को मिल रही है। ठीक है, आप देखें कि जो ये आईसीआई सिक्योरिटी का ये कहना है दोस्तों, उन्होंने एक रिपोर्ट निकाली क्वार्टर फोर में जिसमें ये कह रहे हैं इज ड्यू टू इट्स एक्सपोजर टू BFSI वर्टिकल 62% ऑफ ओवरऑल रेवेन्यू। देखिए क्या है ना, एम्फेसिस का जो सबसे बड़ा एक्सपोजर होता है वो BFSI में, यानी कि आप कह सकते हैं जो बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज है दोस्तों वर्टिकल, उससे 62% का धंधा आता है। और आपको पता है पूरे ओवरऑल वर्ल्ड में किस तरह से बैंकिंग के लिए क्राइसिस देखने को मिल रहा है और आने वाले समय में चीजें जल्दी से ठीक होगी ये भी नहीं दिखता। तो ऐसे में शायद एक गिरावट, एक बड़ी गिरावट आपको इनमें देखने को मिले। और ये यही कह रहे हैं वेयर देयर इज डिले इन डिसीजन मेकिंग एंड जनरल पॉज ऑफ डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग। और देखिए प्रॉब्लम इस ये हो रही है ना कि जो डिसीजन मेकिंग है, यानी जो पहले जो तुरंत तुरंत डिसीजन ले लिए जाते थे कि हाँ भाई हमको स्पेंड करना है, उसमें डिले देखने को मिलेगा। और जो डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग, यानी जो थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा खर्चा लोग कर सकते थे, जो कंपनी कर देती थी, जो इसेंशियल नहीं रखा था उनके लिए उसमें भी खर्चे कर देते थे, तो अब डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग में कमी आती दिखाई देगी। वो आईओ सिक्योरिटी सेड द रीसेंट करेक्शन इन द स्टॉक इज ओवरडन गिविंग एम्फेसिस रीसेंट डिक्लेयर दैट इट्स ओवर एक्सपोजर टू रिजर्व बैंक इन्वेस्ट इज इन लो सिंगल डिजिट एंड दैट इट हैज मच हायर एक्सपोजर टू लार्जर बैंक व्हिच कुड नॉट नेट बेनिफिशियरीज ऑफ डिपॉजिट मूवमेंट फ्रॉम स्मॉल रीजनल बैंक्स। देखिए एक अच्छी खबर हमको ये देखने को मिली एम्फेसिस में कि भाई साहब कि जो आप कह सकते हैं जो हमारा एक्सपोजर है वो भले ही 62% है, लेकिन आपको एक बात समझनी पड़ेगी कि जो हम है ना, हमारा जो एक्सपोजर है वो US का रीजनल बैंक में नहीं है बल्कि उन बड़े बैंक्स में है जो कि प्रॉब्लम्स थोड़े कम बचे रहेंगे किस चीज में, जो लगातार डिपॉजिट खाली किया जा रहा है। ठीक है, ऑल्सो एम्फेसिस एक्सपोजर टू द मॉर्गेज बिजनेस विल प्रॉब्ली बॉटम आउट इन क्वार्टर फॉर फाइनेंशियल 23। और जो एक मॉर्गेज बिजनेस को लेकर के एक इशू लग रहा था लोगों को, तो उन्होंने ये साफ साफ कहा है दोस्तों कि भाई जो हमारा मॉर्गेज बिजनेस है ना, मॉर्गेज बिजनेस है वो जो क्वार्टर फोर में हमारा नंबर निकल के आएगा उसमें जो बॉटम आउट हो जाएगा, यानी जो भी प्रॉब्लम्स थी वो सब क्वार्टर फोर में हमें समाप्त हो जाएंगे विद मोर वल्नरेबल पार्ट्स लाइक रीफाइनेंसिंग ऑलरेडी एट वेरी लो लेवल। और आई सिक्योरिटी कहती है द ब्रोकरेज सी रेवेन्यू ऑफ आईटी फर्म राइजिंग 8.9% ईयर ऑन ईयर। कि भाई आईटी फर्म की जो कह लीजिए रेवेन्यू वो 8.9% बढ़ेगी ईयर ऑन ईयर, ठीक है, 3,532 करोड़। और जो प्रॉफिट है दोस्तों उसमें 3% का ईयर ऑन ईयर इंक्रीज देखने को मिलेगा 420 करोड़ के आसपास। बात करें एबिट मार्जिन की दोस्तों, जो कि 15.9% आएगा मार्च क्वार्टर में अगेंस्ट 16% था दिसंबर में,
और एक साल पहले 14.3%, यानी कि ईयर ऑन ईयर में आपको तेजी देखने को मिलेगी, बट क्वार्टर ऑन क्वार्टर कहीं ना कहीं आपको 0.01% की गिरावट देखने को मिलेगी, ठीक है। और जब कॉन्स्टेंट करेंसी के टर्म में दोस्तों एक डी ग्रोथ देखने को मिलेगी जो कि लगभग 0.9% होगी। यानी कि दोस्तों ये जो क्वार्टर फोर रहेगा एम्फेसिस का, यहाँ एक चीज समझ लीजिए कि जो भी फर्स्ट चीजें होंगी, जो भी तमाम इश्यूज होंगे, वो ऑलरेडी स्टॉक के शेयर प्राइस में प्राइस इन होते हुए आपको दिखेंगे, ठीक है। तो यदि आपको ये छोटी सी एनालिसिस पसंद आई हो, वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। यहाँ तक जुड़े रहे इस बात का बहुत बहुत धन्यवाद। ये इस वीडियो का अंत है। जय हिंद दोस्तों।